नमस्कार, स्वागत है आपका DTW24 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अभिजीत। बिहार विधानसभा चुनाव की चुनावी रैलियों में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिख रहा है। एक ओर जहां NDA महागठबंधन पर जंगल राज का ठीकरा फोड़ रही है, तो वहीं महागठबंधन NDA पर 15 साल के कुशासन का आरोप लगा रही है। आज चुनावी दौरे पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने JP नड्डा को चुनौती दी कि अगर बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार की खुशहाली की बात करते हैं, तो खुले मंच पर बहस कर लें। आइए आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, हम तो इस पर कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहे, हम तो नहीं जा रहे हैं किसी को टिप्पा टिप्पणी करने। हम तो काम की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, दवाई की बात कर रहे हैं, सुधरे बिहार की भविष्य की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कौन ये लोग, देखिए मुद्दे पे एकदम नहीं बहस करना चाहते हैं। नड्डा जी को इतना बताना चाहिए कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाए, बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं दिला पाए, आयुष्मान भारत में बिहार को पिछले वित्तीय वर्ष में एक भी पैसा क्यों नहीं दिया गया, महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, मजदूरों की जब बात थी तो इन लोगों ने मुंह क्यों फेरने का काम किया। नड्डा जी को बताना चाहिए, बाढ़ में इतना नुकसान हुआ, तबाही हुआ, आप एक बार तक झांकने तक नहीं आए बिहार, अब चुनाव है तो वोट मांगने घूम रहे हैं। आपको कम से कम छठपल की जो टीम भिजवा देते, खुद नहीं झांकना था तो। बाढ़ में लगभग 85 लाख आबादी प्रभावित हुई है, अब तक जो है कोई घूमने वाला सेंट्रल की टीम तक घूम के आकलन तक नहीं की है कि क्या होगा। लेकिन नड्डा जी तो मिसलीड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज अधिक हमने दे दिया, यहाँ कमी नहीं की हमने। नड्डा जी, समय स्थल चुन लें, हमसे खुली चुनौती है, हमसे बहस कर लें बिहार के विकास के मामले में, गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, या वो अपना ही कोई विषय चुन करके हमको बता दे, हम स्वीकार। नीतीश जी कह रहे हैं, आप रोजगार की बात करते हैं, आप बिहार के भविष्य की बात करते हैं, लेकिन नीतीश जी हर सभा में कहते चल रहे हैं कि जितना आप उनके खिलाफ बोलिएगा उतना उनका प्रचार हो रहा है, जबकि दुष्प्रचार वो खुद कर रहे हैं आपका। खिलाफ तो हमने बोला नहीं, हमने तो काम की बात बोली है। नेता प्रतिपक्ष अगर मुख्यमंत्री से जनता के सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। उनको मुद्दे पे बोलना चाहिए, तो वो तो निजी हमले बोल रहे हैं, क्या कितना गाली दे रहे हैं ये तो पूरी बिहार की जनता, देश की जनता सुन रही है। और जब गाली दे रहे हैं उसको भी हम बोलते भाई उनका आशीर्वाद के रूप में हम ले रहे हैं। उनके भाषण में एक शब्द वो बार बार बोल रहे हैं, अगर मेरी सरकार आई थी ये करेंगे, अगर आई थी करेंगे, अगर के पीछे क्या राज है। आप एक बात समझिए, पहली बात तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। नीतीश कुमार जी एक जो उनके वैचारिक प्रतिबद्धता है वो पूरा देश जानता है, वो बताने की अवसरवादी और वैचारिक प्रतिबद्धता पूरा देश नीतीश कुमार जी को जानता है। एक सवाल की आप हर अपनी चुनावी सभा में बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, वो थक चुके हैं तो उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए, कुछ सुझाव सलाह देंगे। नहीं नहीं, हम सलाह क्यों देंगे, उनके काम को देख करके हम नहीं बोल रहे बल्कि जनता बोल रही है। अगर बोलते बिहार में कारखाने नहीं लग सकते, समुंदर नहीं है, नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि समुंदर नहीं है, हमने प्रयास किया, उन्होंने तो खुद अपने आप को बोला है ना, उन्होंने तो खुद हाथ खड़े किए हैं। लेकिन समुंदर तो पंजाब और हरियाणा में भी नहीं है, लेकिन बिहार के लोग वहाँ के कारखानों में जाके काम करते हैं। तब ये सारी बातें तो वो खुद स्वीकार कर रहे हैं हाथ खड़े करिए कि वो थक चुके हैं। आपने राघोपुर की सभा में कहा कि यहाँ के वोटर जो हैं वो विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चुनेंगे, आप पिछले दफ़ा भी अभी भी वहीं से विधायक हैं, अगर राघोपुर की बात की जाए तो कितना विकास हुआ, क्या लगता है आपको। देखिए, आपको जो दिखेगा राघोपुर में वो हमारी जब सरकार थी तभी उसमें विकास हुआ। 6 लेन जो ब्रिज बन रहा है 5,000 करोड़ का बन रहा है, वो हमारी सरकार में हम लोगों ने शिलान्यास किया, बल्कि दियर का तो उतरने का डिज़ाइन में था ही नहीं, उसको हम लोगों ने जोड़ा। इंजीनियरिंग कॉलेज उसी बगल में महुआ में, वैशाली में हमने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और यही नहीं लगभग 900 करोड़ रुपए का रोड जब PW डिपार्टमेंट के मंत्री हम रहे तो वो दिया गया। तो काम तो देखिए बहुत कुछ हुआ,
तो उसमें लिए। अब बताइए कोई विधायक 900 करोड़ रुपए का रोड तो नहीं दिला सकता, 5000 करोड़ का पुल तो नहीं दिला सकता कोई विधायक। तो हम लोग जो 18 महीने रहे, जो हो सका वो हम लोगों ने किया, लेकिन विकास जो है ये तो चलते रहना चाहिए, कमी बेसी जो होगा उसको पूरा किया। तो आपने सुना कि किस तरह से तेजस्वी यादव भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बिहार के लोगों की चिंता नहीं है, बिहार के लाखों लोग बाढ़ से पीड़ित थे तब जेपी नड्डा कहाँ थे, अब जब चुनावी समय आया है तो वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए DTW 24 न्यूज़। और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।